वाहेगुरु जी की फतेह। खेती बाड़ी कानूनों के खिलाफ जिते दिल्ली के विखे सिंघू बार्डर विखे तो टिकरी बार्डर से बहुत बड़ा संघर्ष जोड़ा वो चलाया जा रहा है। वो ही पेंड पिंड जागरूक करने लिए जथेबंदियों वालों किसान आगुओं वालों पेंड पद से जोड़े भी अभियान चलाए जा रहे हैं। अज असी पिंड रुड़का कलां विखे हाजिर हाँ जिते कि एक बहुत बड़ी जी विशाल जी मिसाल रैली जी जागो जी कढ़ी जा रही है जिद वी गिणती औरतां बच्चे बजुर्ग नौजवान हाजिर आ जिहड़े कि एक मिसाल मार्च कढ के एक जागो कढ के लोगों नूं इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ जागरूक करन दा जिहड़ा आ एक जिहड़ा तहीआ कीता उहदे तहत पिंड दे विच एक जिहड़ा मार्च जिहड़ा उह कढिया जा रिहा आ। मैं कैमरामैन तों बेनती करूँगा कि वह जरूर घुमा के सारा जिहड़ा एरिया वह दिखा लैण। सो काले कानून रद्द करन दे जिहड़े आ नारे आ उह लगाए जा रहे आ। इस मिसाल मार्च के शामिल नगर निवासियों के नाल किसानों के नाल गल करने की कोशिश करते हैं तो वो इन कानूनों बारे की कहना चाहते हैं। हाँ जी अंकल जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहना चाहोगे तुम इस कानूनों बारे जी? असं ये कहना चाहते हैं भी ये इस जो पंजाब आ खेती प्रधान देश है इस करके जो साड़ी खेती का यह काम हो गया ये कानून रद्द लागू हो गए तो साढ़े खेती का बहुत बुरा हाल हो जाएगा सारे लोग प्रभावित होंगे जिदे साडे पंजाब की आर्थिक मंदी दे विच चले जाएगा। इस करके असी इस गल्ला विरोध करते हैं कि जिन्हें भी ये काले कानून तीन बनाए आ जिहड़े दो आर्डिनेंस जारी किए बिजली बिल वाला ते पराली वाला ये रद्द किए जाण नहीं तो इस लोगों का जिहड़ा हड़ आ इस तरह इन कानूनों हड़ा के लै जाएगा। इस करके साडी पुरजोर मांग आ कि इन कानूनों जल्दी तो जल्दी जिहड़ा रद्द किया जाए। सो एक जिहड़े सुर इक्को सुर दे विच जिहड़ी आवाज़ आ रही आ कि ये जिहड़े काले कानून जिहड़े आ उह रद्द किए जाण। अंदोलन पंजाब के गली मोहल्लों तो चलिया सी ते अज उन्हां गली मोहल्लों के लगातार जिहड़े अभियान चलाए जा रहे आ कि ये जिहड़े काले कानून आ उह रद्द किए जाण। एक जन की जिहड़ी आवाज़ आ ये बन चुकी आ इहदे विच जिहड़े नौजवान शामिल आ उन्हां नाल भी गल करन की कोशिश करते हैं। हाँ जी जनाब तुसीं इन्हां कानूनां बारे की कहना चाहोगे जी? देखो जी साडे रुड़का कलां दे विच अज इह काले कानूनां दे खिलाफ रैली कढ रही आ पूरा नौजवान वर्ग दे विच बहुत जोश आ सारे इस इन्हां तिन्नें कानूनां दे खिलाफ आ ते सारे जिन्हें भी जूथ आ रुड़का कलों का जां भाईचारक सांझ जिहड़ी अज देखण नूं मिली आ इह सारे किसानां दे नाल आ ते असीं इह कानून रद्द कराउण दे लई पूरी पूरी वाह ला देंगे। सो असी नौजवानों गल की नौजवान आगुआ ने गल की एक जन अंदोलन जरा रूप अख्तियार कर चुका है तो एक जी आवाज़ निकलती आ रही कि जो कानून आ हर हालत में जोड़े आ रद्द किए जा। मार्च के साथ हम हाजिर ने कुलवीर सिंह बुद्धू उन्होंने गल करते कहो इन्हें काले कानून बारे की कहना चाहोगे? ये जो काले कानून आ एक कल्ले किसान ले नहीं जिहड़ा बंदा भी रोटी खाता आ उहदे लई माड़े ही आ ते सानू सारे रल के ये कानूनों रद्द कराउण दे विच साथ देना चाहिए। आप देखते जदों दा संघर्ष चलिया आ उदों तों लैके जिहड़ा रुड़का कलां जां इहदे आस पास जिहड़े पिंड आ इन्हां ने मोहरी भूमिका अदा की आ अपने पिंड रुड़का कलां दा तुसीं इहदे विच जिहड़े संघर्ष दे कानूनों दे विच जिहड़ा संघर्ष चलदा पिया इहदे रोल नूं कितां देखदे आ? ये अज का नहीं है ये जदों अंग्रेजों के टाइम भी कोई भी संघर्ष होंदा सी ते रुड़का कला मोहरी ही रहा आ ते रुड़का कला के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है संघर्ष के लड़न का। साढ़े पिंड जिहड़े आगू आ कुलवंत सिंह संधु जिहड़े आ वो जिहड़ी मेन 6 मैंबरी कमेटी उहदे विच जिहड़े आ वो वड्डी भूमिका अदा कर रहे उहदे बारे की कहना चाहते हैं? वो अज दे नहीं जदों तों उन्होंने सुरत संभाली आ उदों तों लोगों के हकों के लड़ते आए हैं तो जिहड़ा उन्होंने मैंबरी कमेटी में 6 मैंबरी कमेटी च लिया असं बहुत ही प्राउड फील करते हैं। पिंड वास्ते बड़े माण की गल है कि इस नगर का एक नुमाइंदा जिहड़ा आ केंद्रीय पद जिहड़ी 6 मैंबरी कमेटी आ उहदे विच जिहड़ा एक मोहरी जिहड़ा रोल अदा कर रहा है। जमहूरी किसान सभा सूबा सिकंदर कामरेड कुलवंत सिंह संधु की धर्मपत्नी सरबजीत कौर हाजिर ने उन्होंने गल करने की कोशिश करते कहो इन्होंने कानूनों बारे की कहें? जागो का तुसी मार्च कर रहे हैं
बड़ी माण वाली गल आ जिथे अज देश के अंदर बड़ा संकट खड़ा उस संकट के खिलाफ थोड़े नंगर रुड़का कला के अंदरों बड़ी संगत सांझे तौर पर जा रही है। ये गल का बड़ा माण आ इलाके थोड़े नगर ते पूरे इलाके अज थोड़े पिंड का योधा कलवंत सिंह संधू पूरे देश दियां मोहलियां कतारां दे विच हो के लड़ रहा जिन्हे पहल कलमी करके कलवंत सिंह संधू जिंदाबाद जिन्हे इस लहर नू पूरे दुनिया दे अंदर एक लहर पैदा करती जिथे पंजाब दियां कत्ते जथेबंदियां नूं इकट्ठियां कीता उत्थे देश दियां 542 जथेबंदियां नूं भी इकट्ठा करन विच थोड़े रुड़का कलां दा पहला रोल आ। एदू अगे जिथे भी दुनिया दे अंदर किसानी दा संकट आ मजदूरां दा संकट आ अज थोड़े इतिहास दे विच इक पन्ना होर जुड़ गया। अज दियां ताजियां खबरां दे मुताबिक दक्षिणी अफ्रीका दे अंदर जिन्हां नूं असीं काले लोक कहिंदे आ ओह भी छोटी किसानी करदे आ अज तो उन्हां नूं भी इह थोड़ी लहर नूं देख के उस अफ्रीका दे अंदर भी अंदोलन छेड़ दित्ता उहदा माण भी तुहानूं आ। इस करके माण आ सानूं। अज मैं कहना चाहुंदा नगर वासियां नूं ये लड़ाई कली अज किसानां दी नहीं अज लड़ाई समुचे यह जन अंदोलन दी आ। उहदे अंदर चाहे मजदूर या कहीं ना कम करन वाला चाहे सवाई सेवक आ छोटा दुकानदार आ पशु पालक आ भावे ओह छोटी इंडस्ट्री वाला सारिया का यह एक हित आ जे अज किसानी ना बची ये सारिया धिरां नहीं बचनिया। सब तो बड़ा हमला किना ते होना जेड़े पहले ही पछड़े हो लताड़े हो लोग आ जिन्हां दे विचों एक मैं भी हाँ। मैं एक बड़ी माण ना कहना चाहुंदा जदों कितें इतिहास दे पन्ने फोलदे हाँ फिर जिहड़े साडे गुआचे हीरे लभदे आ। मैं एक किताब पढ़ रहा सी गदरी बाबिया दी उहदे विचों तुसीं टोल्यो थोड़े इस महल्ले का जदों गदरी बाबे की लहर चली उस वेले का एक होर हीरा गुआचिया नूं टोल्यो उहदा नाम आ संत राम। अज का संत राम नहीं वो संत राम उस वेले का जदों गैदर लहर थोड़े पिंडों पैदा हुई उहनूं टोल्यो उहदी भी कितें आपां फोटो ला लईए पछड़े वर्ग गरीबां दे विचों सी उह। अज माण आ इस लड़ाई नूं आपां अगे तोरना अज झंडियां दी जातां दी पार्टियां दी रंगां दी नहीं लड़ाई अज जन समूहां दी लड़ाई आ भराओ। आओ इकट्ठे हो के चलिए जिवें थोड़े नगर दे विचों हर रोज लोग जा रहे आ हर तरह की मदद उत्थे दे कर रहे आ माण महसूस करदे आ। कल नूं फिर आपां बहीरा कत्तीए आले दुआले दे पिंडां नूं भी नाल लईए ये बड़ा माण थानू रुड़के वालिया नूं मिलिया जिहदा अगवाई कलवंत सिंह संधू कर रहा शायद अज कई बार असीं अवेसे हो जाने जदों साडा सिर दा कोई साई नहीं हुंदा बाबा बचन सिंह कैंगोह तो बाद अज दूजा बाबा बचन कैंगोह कलवंत सिंह संधू पैदा हो गया। माण है सानू इलाके नगर वासियों नू भी अज पार्टियां तो उपर उठ के धर्मां तो उपर उठ के जातां तो उपर उठ के दिल्ली वालों भी हीरा कर दईए। आ मेरिया भैणां खड़ियां बीबी गुलाब कौर दियां भैणां इन्हां नू भी मैं कहना चाहुंदा बीबी गुलाब कौर ओह होई आ जिहदा बख्शी वाला पिंड आ संगरूर दे अंदर जदों देश की आजादी की लहर चलती सी कामा गाटा मारू जहाज जदों चलिया ते उस बीबी ने प्रण किया कि मैं देश को आजाद करवाना पर उहदा घर वाला बेईमान हो गया। उस बीबी गुलाब कौर ने अपना ट्रंक रखिया जहाज के अंदर उस बेईमान के मूहरे चूड़ियां सुटियां
ਬਿਆ ਚੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਅੱਜ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 542 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।